साल भारतीय बाजार में ये स्मार्टफोन्स देंगे दस्तक। जाने क्या है इनमें खास, देखें फर्स्ट लुक। भारतीय स्मार्टफोन बाजार के लिए 2018 भी खास होने वाला है। साल की शुरुआत में सैमसंग ने अपने दो प्रीमियम स्मार्टफोन गैलेक्सी S9 और S9 प्लस को लॉन्च किया था। वहीं हाल ही में आयोजित हुए मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2018 में नोकिया, मोटो और आसुस ने भी अपने स्मार्टफोन्स पेश किए, जिन्हें जल्द ही भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा। MWC 2018 में नोकिया के इन फोन्स पर रही सबकी नजर। बार्सिलोना में हुए MWC 2018 इवेंट में नोकिया ने अपने 5 स्मार्टफोन्स पेश किए थे। इवेंट में नोकिया 8110 4G फीचर फोन के साथ ही नोकिया 1, नोकिया 6, नोकिया 7 प्लस और नोकिया 80 को स्मार्टफोन भी लॉन्च किए। कंपनी ने घोषणा की है कि ये सभी फोन अप्रैल से बाजार में खरीदने के लिए उपलब्ध होंगे। सोनी ने भी अपने 2 नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स किए लॉन्च। दुनिया के सबसे बड़े टेक इवेंट मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2018 में मशहूर कंपनी सोनी ने अपने 2 नए स्मार्टफोन्स पेश किए थे। बार्सिलोना में हुए इस इवेंट में सोनी ने एक्सपीरिया XZ2 और एक्सपीरिया XZ2 कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन को लॉन्च किया था। कंपनी इन दोनों स्मार्टफोन की बिक्री मार्च से शुरू करेगी। सोनी एक्सपीरिया XZ2 और सोनी एक्सपीरिया XZ2 कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन में यूजर्स को 4K HD वीडियो रिकॉर्डिंग करने की सुविधा भी मिलेगी। वीवो ने लॉन्च किया आधी स्क्रीन में फिंगरप्रिंट स्कैनर वाला स्मार्टफोन। चीन की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वीवो ने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2018 में एपिक्स नाम का फुल व्यू कॉन्सेप्ट स्मार्टफोन पेश किया। इसमें दुनिया का सबसे बड़ा स्क्रीन 2-बॉडी दी गई है। फोन की आधी स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर टेक्नोलॉजी से लेस है। वीवो ने अपने कॉन्सेप्ट फोन में 8 मेगापिक्सल का एलिवेटिंग फ्रंट कैमरा दिया है। इस फोन के कैमरे की खासियत है कि ये स्क्रीन पर नजर नहीं आती, लेकिन कैमरे के इस्तेमाल के वक्त कैमरा स्क्रीन से बाहर की ओर नजर आने लगता है। वहीं यूज न होने पर यह फोन फोल्ड भी हो जाता है। 16,000 mAh बैटरी के साथ एविनियर मोबाइल ने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2018 में किया धमाका। एविनियर ने इस इवेंट में अपने 3 नए स्मार्टफोन्स पेश किए थे। कंपनी ने इन्हें पावर मैक्स P16K Pro, पावर मैक्स P490S और हार्डकेस H590S नाम से इन्हें लॉन्च किया। इन स्मार्टफोन्स की खासियत है कि इनमें 4 कैमरे दिए गए हैं, यानी कि फोन के बैक साइड में 2 और फ्रंट पर 2 कैमरे मौजूद हैं। वही कंपनी का एक फोन काफी चर्चा में रहा है। कंपनी का पावर मैक्स P16K Pro स्मार्टफोन में 16,000 mAh की बैटरी दी गई है, जो स्मार्टफोन को अलग बनाता है। LG V30S Think स्मार्टफोन ने भी दी दस्तक। LG ने V30S Think स्मार्टफोन के साथ दस्तक दी है। LG के इस स्मार्टफोन में 6GB RAM दिया गया है, साथ ही फोन में 16 और 13 मेगापिक्सल का रियर में ड्यूल कैमरा सेटअप और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है। कैमरे की खास बात है कि इसमें AI फीचर, ब्राइट मोड, AI हैप्टिक और गूगल असिस्टेंट को शामिल किया गया है। Asus ने लॉन्च किए Zenfone 5 सीरीज के 3 नए स्मार्टफोन। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2018 में Asus ने भी अपने Zenfone 5 सीरीज के 3 स्मार्टफोन्स लॉन्च किए थे। कंपनी ने Asus Zenfone 5, Zenfone 5Z और Zenfone 5 Lite को पेश किया है। इन स्मार्टफोन्स की खासियत है कि इसमें AI फीचर, एस्पेक्ट रेशियो और डिस्प्ले के साथ ड्यूल कैमरा सिस्टम दिया गया है। इन तीनों स्मार्टफोन्स की खासियत है कि इन तीनों फोन में क्वालकॉम के चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है। ड्यूल कैमरा के साथ ZTE ने लॉन्च किए 3 नए बजट स्मार्टफोन्स। स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ZTE ने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2018 में अपने 3 नए बजट स्मार्टफोन्स पेश किए। कंपनी के ये फोन ZTE Blade V9, ZTE Blade V9 Vita और ZTE Tempo Go को इन नाम से पेश किया।
ये फोन्स बजट सेगमेंट में पेश किए गए हैं। आपको बता दें कि ZTE Temp Go Android Go ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड है।